देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, गौरव एक सीधा और भोला आदमी था। उसकी जॉब एक रेलवे स्टेशन पर कुछ दिन पहले ही लगी थी। जब वो इस रेलवे स्टेशन पर आया तो यहाँ एकदम शांति थी और चारों ओर कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। उसे यह सब थोड़ा अजीब लगा कि इतने बड़े स्टेशन पर कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा है। फिर वह धीरे धीरे अपने केबिन की तरफ बढ़ने लगा और जब वो केबिन के अंदर गया तो वहाँ एक आदमी काम कर रहा था और वो जल्दी जल्दी केबिन को साफ कर रहा था, जैसे कि उसे जल्दी से यहाँ से निकलना हो। गौरव उसके पास गया और उससे कहने लगा कि आपको कहीं जाना है क्या? आराम से काम करिए ना, इतनी भी जल्दी क्या है। तो वो आदमी अचानक से गौरव की तरफ पलटा और कहने लगा कि तुम कौन हो? और वह आदमी थोड़ा गुस्सैल स्वभाव का लग रहा था। उस आदमी की बातों पर गौरव कहने लगा कि कुछ ही दिन पहले मेरी यहाँ पर पोस्टिंग हुई है। तो वो आदमी थोड़ी देर चुप खड़ा रहा और फिर वापस सफाई करने लगा। तभी गौरव ने उससे पूछा कि इस स्टेशन पर हमेशा यहाँ ऐसे ही शांति रहती है क्या, या आज कोई स्पेशल दिन है इसलिए इतनी शांति है? तो ये बात सुनकर वो आदमी थोड़ा घबरा गया। उसकी घबराहट उसके चेहरे पर साफ साफ झलक रही थी। उसकी घबराहट देखकर गौरव उस आदमी से कहने लगा कि इस स्टेशन के बारे में सुनकर आप इतना घबरा क्यों रहे हो, कुछ हुआ है क्या? तो वो आदमी घबरा तो वह कहने लगा कि मुझे घर जाने में देरी हो रही है इसलिए मैं जा रहा हूँ, और मेरी बात मानो तो आप भी घर के लिए निकल जाओ। इतना कहकर वो आदमी वहाँ से निकलने लगा। तो गौरव ने उसे पीछे से आवाज़ लगाई और उसकी आवाज़ सुनकर वो आदमी वहीं रुक गया। उसके रुकते ही गौरव उसके पास गया और कहने लगा कि आप यहाँ कब से काम कर रहे हो? तो वो आदमी कहने लगा कि मैं तो यहाँ पर पिछले 12 साल से काम कर रहा हूँ। तो गौरव कहने लगा कि तो आपको तो पता ही होगा ना कि ये स्टेशन इतना शांत क्यों है। पर उस आदमी ने इस बार भी गौरव की बात का कोई जवाब नहीं दिया और जल्दी से वहाँ से निकल गया। और वह गौरव के आवाज़ लगाने पर भी बिल्कुल नहीं रुका। उस आदमी के जाते ही गौरव वापस केबिन के अंदर अपनी कुर्सी पर आकर बैठ गया। फिर थोड़ी देर के बाद उस स्टेशन से एक ट्रेन निकली, पर वो ट्रेन उस स्टेशन पर रुकी नहीं और तेज गति से वहाँ से निकल गई। गौरव को लगा कि कोई यात्री नहीं है इसलिए वो ट्रेन यहाँ पर नहीं रुकी होगी, और इतना सोचकर वो वापस अपने काम में लग गया। उसके थोड़ी देर के बाद एक ट्रेन वापस निकली और इस बार भी वो ट्रेन यहाँ पर रुकी नहीं, पर इस बार एक लड़की उस ट्रेन के साथ साथ भाग रही थी। फिर भी वो ट्रेन उस स्टेशन पर नहीं रुकी तो गौरव को ये बात अच्छी नहीं लगी। वो अपने केबिन से बाहर जाने लगा, पर तब तक वो ट्रेन वहाँ से जा चुकी थी। तभी गौरव अपने केबिन में बैठकर दूसरी ट्रेन का इंतज़ार करने लगा कि इस बार आने वाली ट्रेन तो रुकी जाएगी। पर जब अगली ट्रेन आई तो इस बार भी वो ट्रेन वहाँ पर नहीं रुकी और वो वहाँ से चली गई। और इस बार भी वो लड़की उस ट्रेन के साथ साथ भाग रही थी, पर वो बाहर जाता तब तक ट्रेन जा चुकी होती, इसलिए इस बार भी वो बाहर नहीं गया। और थोड़ी देर के बाद गौरव अपना काम ख़त्म करके घर जाने के लिए निकलने के लिए जैसे ही अपने केबिन से बाहर निकला तो उसने देखा कि एक लड़की ट्रेन की पटरी पर बैठी हुई है। गौरव उसे आवाज़ लगाने लगा पर उस लड़की ने उसकी तरफ देखा भी नहीं। गौरव उस लड़की के पास जाने लगा पर वो उसके थोड़े पास गया ही था कि वो लड़की पटरी से खड़ी होकर जंगल की तरफ भाग गई। और वो इतनी तेज भागी कि गौरव को तो कुछ समझ में नहीं आया, उसके भागने की गति बहुत तेज थी। गौरव पहले तो थोड़ा हैरान था, पर फिर उसने इन बातों को नज़रअंदाज कर दिया और वो अपने घर की तरफ जाने लगा। अब रात के तकरीबन 1 बज चुके थे, चारों ओर बस अंधेरा ही अंधेरा था और उस स्टेशन के आसपास कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। गौरव जैसे स्टेशन से थोड़ी दूर पर गया तो वहाँ उसे कुछ लोग दिखाई दिए, और उस वक्त इतना अंधेरा भी नहीं था। उस दिन गौरव जैसे घर पर गया तो वो इतनी थकान महसूस कर रहा था कि वह जाते ही सो गया। और अगले ही दिन जब वो उठा तो उसे अपने शरीर में कमजोरी महसूस होने लगी थी, इसलिए वो डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर ने उसे आराम करने को कहा। पर गौरव की अभी नई नई जॉब थी इसलिए वो छुट्टी नहीं लेना चाहता था, और वो घर आया और थोड़ी देर आराम करने के बाद वापस अपने काम के लिए निकल गया। वो जाते समय रास्ते में यही सोच रहा था कि कल वो लेट हो गया था इसलिए स्टेशन पर कोई नहीं था, पर आज वो शाम को 4 बजे जा रहा है तो इस स्टेशन पर कुछ लोग तो ज़रूर होंगे। वैसे तो गौरव की नाइट ड्यूटी थी पर आज गौरव जल्दी जा रहा था
जैसे गौरव वहां पर पहुंचा तो उसने देखा आज भी वहां पर कोई नहीं था। जैसे कि कल रात को शांति थी तो वैसे ही शांति अभी भी थी। उसे ये शांति अजीब लग रही थी। वो अपने केबिन की ओर गया कि यहाँ अभी किसी और की ड्यूटी होगी तो वह उससे पूछ लेगा इस स्टेशन की शांति के बारे में। पर जैसे वो उस केबिन में गया तो वहाँ भी कोई नहीं था। तभी गौरव वापस उस केबिन से बाहर आया और इधर उधर किसी को देखने लगा। फिर थोड़ी देर के बाद उसे वह सफाई कर्मचारी दिखा जो कल रात को उसके केबिन की सफाई कर रहा था। वो उसके पास गया और उससे पूछने लगा कि केबिन के अंदर कोई नहीं है, सब कहाँ गए हुए हैं? तो वो कर्मचारी बोला कि कोई आता ही नहीं है साहब, सब घर पर रहते हैं और अपनी पोस्टिंग बदलवाने की कोशिश कर रहे हैं। आप भी जितना जल्दी हो अपनी पोस्टिंग यहाँ से बदलवा लो। उसकी बातें गौरव के इतनी समझ में नहीं आई थी, इसलिए गौरव अपने केबिन में जाकर वापस से बैठ गया। जैसे ही रात हुई और जैसे ट्रेन आई तो आज भी वो ट्रेन वहाँ पर नहीं रुकी और गौरव ने देखा कि वो कल वाली लड़की आज भी ट्रेन के साथ भाग रही है। तभी गौरव अपने केबिन से बाहर गया और अगली ट्रेन का आने का इंतज़ार करने लगा। फिर थोड़ी देर के बाद अगली ट्रेन भी आ गई और उस ट्रेन वाले ने गौरव को देखकर ट्रेन को धीमा कर लिया। पर जैसे ही ट्रेन गौरव के पास पहुंची तो वह लड़की ट्रेन के पीछे से भागती हुई ट्रेन की तरफ आ रही थी। उस लड़की को देखकर उस आदमी ने ट्रेन को बिना रोके ही ट्रेन की गति बढ़ाई और वहां से निकल गया। वो लड़की गौरव के पास से होकर इतनी तेज गति से भागती हुई निकल गई कि गौरव तो उसे देखता ही रह गया कि यह लड़की इतनी तेज गति से भला कैसे भागी। और वह भागते हुए ट्रेन से भी आगे निकल गई थी, पर वो आगे जाकर अचानक से गायब हो गई। उसे इस तरह गायब होता देख गौरव थोड़ा डर गया। वह उस तरफ देख ही रहा था कि तभी पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और जैसे गौरव पीछे मुड़ा तो उसने देखा कि वही लड़की उसके पीछे खड़ी थी। अब गौरव के तो होश उड़ गए क्योंकि वह लड़की तो अभी तो वहां से आगे गई थी और अभी उसके पीछे खड़ी कैसे हो गई। वो लड़की गौरव को घूर रही थी। उसे देखकर गौरव भागता हुआ अपने केबिन के अंदर गया और दरवाजा बंद करके बैठ गया। फिर थोड़ी देर के बाद दरवाजा जोर जोर से खटखटाने की आवाजें आने लगी। गौरव तो उसे देखकर और भी ज्यादा डरने लगा और वह खिड़की के पास जाकर देखने लगा कि तभी वह लड़की उसे सामने से दिखाई दे रही थी जो बाहर हवा में उड़ रही थी। उसे देखकर तो गौरव के पसीने छूट गए और वो मदद के लिए अपनी जेब से फोन निकालने लगा। और जैसे उसने जेब में हाथ डाला तो अचानक से एक जोर की आवाज़ आई और गौरव के हाथ से फोन नीचे गिरकर टूट गया। अब गौरव को और तेज डर लगने लगा था, इसलिए वह पीछे दरवाजे से बाहर चला गया और भागते हुए सड़क पर किसी को मदद के लिए ढूंढने लगा। फिर थोड़ी देर के बाद एक ऑटो उसे अपनी तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा था। तभी गौरव उस ऑटो को रोकने लगा। वो ऑटो जैसे गौरव के पास आई तो गौरव जल्दी से उस ऑटो के अंदर बैठ गया। फिर थोड़ी देर के बाद ऑटो के अंदर से गौरव ने बाहर देखा तो उसकी नज़र उसी लड़की पर गई। वो लड़की उस ऑटो के पीछे पीछे आ रही थी। तभी गौरव उस ऑटो वाले से ऑटो को तेज चलाने के लिए कहने लगा। तभी उसने देखा कि वो ऑटो वाला उस ऑटो को हवा में उड़ाने लग गया है। और अब गौरव उस आदमी से कुछ कहे उससे पहले वो आदमी अपनी गर्दन को अचानक से पीछे गौरव की तरफ मोड़कर बुरी तरह से हंसने लगा। उसे देखकर तो गौरव के रोंगटे खड़े हो गए थे। अब वो उस ऑटो से भी नीचे नहीं उतर सकता था क्योंकि वह ऑटो हवा में उड़ रही थी। गौरव डरता हुआ उसी ऑटो के अंदर बैठा था। फिर थोड़ी देर के बाद वो ऑटो एकदम से नीचे उतर गया और जैसे वो ऑटो जमीन पर आया तो गौरव जल्दी से उस ऑटो से एकदम से उतर गया और बिना कुछ देखे ही वह भागने लग गया। भागते हुए जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी नज़र वापस उन दोनों पर गई। वह लड़की और वह ऑटो वाला उसकी तरफ आ रहे थे। अब गौरव भाग ही रहा था कि तभी उसने देखा कि सामने एक आदमी खड़ा हुआ है। अब तो उसे उस आदमी के पास जाने से थोड़ा डर लग रहा था। उसे लग रहा था कि कहीं ये आदमी भी कोई काली शक्ति तो नहीं है। फिर भी गौरव ने थोड़ी हिम्मत दिखाई और उस आदमी के पास गया और जैसे वह उस आदमी के पास गया तो उसे थोड़ी राहत महसूस हुई क्योंकि वो आदमी उस स्टेशन का सफाई कर्मचारी था। तभी गौरव ने उसे अपने साथ हुए हादसे के बारे में बताया तो वो आदमी गौरव को उस स्टेशन से दूर लेकर जाने लगा। पर उसने देखा कि वो दोनों उनके सामने ही खड़े हैं। तभी उस कर्मचारी ने अपनी जेब से कुछ निकाला और उन दोनों पर डाल दिया और जैसे उन पर वह चीज़ गिरी तो वो दोनों वहाँ से गायब हो गए। तब उस कर्मचारी ने कहा कि
दो साल से ही इस स्टेशन पर ऐसी घटना होती है। और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि दो साल पहले एक कपल की ट्रेन से कटकर मौत हो गई थी और तभी से उन दोनों की आत्मा यहाँ पर घूम रही है। तो गौरव कहने लगा कि अब वो दोनों हमेशा के लिए गायब हो गए क्या? तो वो आदमी कहने लगा कि उन दोनों की आत्मा अभी भी उसी स्टेशन पर है। उसकी ये बातें सुनकर गौरव ने अपनी पोस्टिंग उस स्टेशन से अगले ही दिन बदलवा ली थी और फिर वापस कभी भी वो उस स्टेशन पर नहीं गया। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।